इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जीतेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है जी आज, और हमारी शर्त, हमारी लड़ाई चल रही है जी, ये इंडिया की तरफ है और मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और जिसकी टीम जीत गई वो पार्टी खिलाएगा। अच्छा मैंने इनको बोला है अगर रोहित शर्मा को, आप यार पाकिस्तानी है हम सब, लेकिन देखें इंडिया की टीम स्ट्रांग है, मजबूत है। पाकिस्तानी टीम भी इस वक्त ना स्ट्रांग ही है। मैंने इनको बोला है जी देखें जी अगर रोहित शर्मा है ना जो, वो चल गया तब भी, अगर कोहली चल गया तब भी, और गिल साहब आए ने एक नए आए हैं उनके जो ओपनर, वो भी चल गए तब भी, तो भाई वो तो सेंचुरी से नीचे स्कोर नहीं लगाते हैं। फिर पाकिस्तान में भी बाबर आजम है। अच्छा बाबर आजम चल तो रहा नहीं है, ऐसे नहीं चल रहा। और उसके बाद वो जो नया लड़का आया है चाचा इफ्तिखार, इफ्तिखार। अच्छा चलो इतने लंबे लंबे छक्के मारेंगे वो देखना। अच्छा ये तो पता चलेगा मैच शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैंने इनको बोला कि देखें इंडिया की टीम सब स्ट्रांग है, इंडिया की टीम बेस्ट है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, लेकिन जारी सी बात है ऊपर से इंडिया में मैच हो रहा है तो सपोर्ट तो उनको मिलेगी और बेनिफिट तो है उनके लिए। अच्छा शर्त क्या लगानी? चलो जी मैं बोलता हूँ इंडिया जीतेगा, ये बोल रही है जी पाकिस्तान जीतेगा, तो शर्त क्या लगानी? जिसकी टीम जीत गई हाँ, जो हार गया, जो हार गया वो ट्रीट खिलाएगा। अच्छा जो हार गया वो ट्रीट खिलाएगा, जिसकी टीम जीत गई वो जहाँ कहेगा वहाँ जाके ट्रीट खिलाएगा। चलो ठीक है जी, अगर इंडिया जीत गई तो ये मुझे ट्रीट खिलाएंगी, अब मैं जो चाहूँ वो खाऊंगा, ठीक है। और अगर अगर पाकिस्तान जीत गई तो फिर तुम ट्रीट खिलाओगे, ठीक है। बिल तो तुम्हारे पर्स में से ही जाएगा ना। अगर पाकिस्तान जीत गई तो तुम ट्रीट खिलाओगी, अगर इंडिया जीत गई तो तुम ट्रीट खिलाओगी, ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन लिया है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा जो मैं कहूँगा वही खिलाना है फिर। अच्छा चलो वीडियो खत्म करते हैं, लास्ट में आपको बताता चलूंगा। ये हूँ गोलगप्पे खाने वाला, ये और क्या खाना है। बात आप समझ गए ना, ट्रीट किसको डलनी है।